मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैंट कट पजामा, पैंट कट पजामा कैसे बनाते हैं उसकी ड्राफ्टिंग में आज आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका पूरा नाप लिखा है हमें, पूरी लंबाई 40 इंच, हिप 36 इंच, कमर 32 इंच, घुटने की लंबाई 22 इंच और मोहरी है हमारी 10 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें ड्राफ्टिंग करनी है। आसन की लंबाई 11.5 इंच है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि पूरी लंबाई हमारी 40 इंच तैयार है, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया, 42 इंच हो गया। हमने सबसे पहले यहाँ पे 42 इंच लंबाई लिया है। और याद रखिए जिस साइड से हम, या तो इस साइड से ड्राफ्ट शुरू करें या इस साइड से शुरू करें, तो जिस साइड से हम लंबाई लेंगे वो हमारा बंद हिस्सा होना चाहिए, यानी कि बंद भाग कपड़े की, मतलब अगर डबल किया उसका बंद हिस्सा इधर और खुले हिस्सा इधर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओ से बी कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच, ये हमने कमर का नाप लिया है। यहाँ पे हमने कमर का नाप लिया 32 इंच, इसका चौथा हिस्सा करना है 9 और 2 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। और 1 इंच इसको ऊपर की तरफ उठाना है क्योंकि ये पीछे का भाग होगा, और 1 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, हमने 1 इंच इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, बी से हम 1 इंच ऊपर की तरफ उठाया और ओ से मिलाया, और बी से एल 1 इंच आगे की तरफ लिया। एल से सी आसन की लंबाई जो पहले से ही दी हुई है हमारी कितनी है, 11.5 इंच। हमने 11 हमारा तैयार हो जाएगा, ऊपर 2 इंच की हमारी बेल्ट भी लगने वाली है, तो इसलिए हमने 11.5 इंच इसको रखा है। अब देखिए डी बी सी बराबर है और डी, और डी डी ई लिया हमने हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच। हिप हमारी होती है यहाँ पे 36 इंच, इसका तीसरा हिस्सा हो गया 12 और 1 13 इंच, यानी कि जितनी हिप है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे, तो 12 और 1 हमारा हो गया 13 इंच, यहाँ पे हो गया 13 इंच। ई से एफ लिया हमने हिप का 16वां हिस्सा, ये हमने लिखा हुआ है हिप का 16वां हिस्सा, हिप जितनी है उसको 16वां हिस्सा, यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दुनी 32 जो शेष बचे उसको आधा इंच मान लीजिए, तो हमारा होता है 2.5 इंच, ये हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ आ जाइए, पूरी लंबाई जहां से हमने लिया था यहाँ ये 40 का निशान है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा 42 का निशान है। इसकी यहाँ पे हमें मोहरी लेनी है, यहाँ तक, यहाँ पे हम लिखेंगे मोहरी का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे हम लिखेंगे मोहरी का दूसरा हिस्सा, यानी कि जितनी भी मोहरी है हमारी मोहरी है 16 इंच और उसका दूसरा हिस्सा हो गया हमारा 8 इंच, और इसका बीच बना लेंगे ए और ओ, ए और जेड लिख देंगे इसको, ए जेड और वाई इसका बीच हो गया, ये हमारा हो गया इसका सेंटर पॉइंट, इसका बीच बना के हम इस ऊपर तक लाइन खींच देंगे, इसकी क्रीज लाइन हो जाएगी, और ये जेड से के है, ये हमारा हो गया जैसे ऊपर से लिया था इसका 16 वाइसा 2.5 इंच, ये 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, और इस ये हमारा बीच है, इसको हम ऊपर तक हम इसका लाइन खींच देंगे, ये हमारी क्रीज लाइन होगी, प्रेस वाली जो लाइन बोलते हैं वो होगी हमारी ये लाइन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमने इसको 1 इंच की इसकी हमने गोलाई दिया है और इसकी हमने 2.5 इंच यहाँ से गोलाई दिया है, यानी कि ये जो भाग है ये हमारा पीछे वाला भाग है और ये जो भाग है ये हमारा आगे का भाग है। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी थोड़ी लिखनी है, ए ओ पूरी लंबाई 40 जमा 2 42 इंच, ओ बी लिया कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच, और बी से एम लिया 1 इंच और एम एल बी 1 इंच, जिससे जो नाप जो बातें हम इसमें समझाई है वही बातें हमें थोड़ी में लिखनी होती हैं। यहाँ से ए जेड लिखना है हमें, ए जेड मोहरी का दूसरा हिस्सा, यहाँ पे लिखेंगे मोहरी का दूसरा हिस्सा, ए जेड का मध्य बिंदु बाई ए जेड का मध्य बिंदु, ए जेड का हमारा मध्य बिंदु वाई हो गया है, और इस हाई पे लिखेंगे ई एफ हिप का 16वां हिस्सा, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ हिप का 16वां हिस्सा। ये तो हमारा हो गया आगे का और पीछे का भाग। अब देखिए हमें इसकी पॉकेट नहीं बनाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉकेट, पॉकेट बनाते हैं हम इसकी। सबसे पहले ये लंबाई लिया हमने, ये चौड़ाई लिया, मैं आपको अभी समझा रही हूँ, इसको ए ओ बी और सी इसको रख दिया, इसके हमने नाम रख दिए हैं। ए ओ लंबाई हमें ये नहीं पता कि उसकी, अगर अदरवाइज उसकी लंबाई दे रखी है उसकी, उसके
हिसाब से हम उसकी लंबाई ले लेंगे, नहीं पता तो हम यहाँ पे लेंगे हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच। हिप का तीसरा हिस्सा होगा हमारा 12 और 1 13 इंच, और चौड़ाई में लिखेंगे हम हिप का छठा हिस्सा, हिप का छठा हिस्सा यानी कि हिप का छठा हिस्सा प्लस में 1 इंच। हिप हमारी हो गई 36, 36 का छठा हिस्सा 6 और 1 7 इंच। अब यहाँ से हमने बी से आई, आई 1 इंच लिया, और सी से एम हमने 2 इंच लिया, एम को ए से मिला दिया और आई को एम से मिला दिया। ये इसकी शेप है पॉकेट की, ठीक है। ये हमने एम लिखा है, एम को ए से मिलाया है। अब फिर हमें इसकी भी थोड़ी लिखनी है इसी तरह से, ठीक है। पूरी लंबाई हमें यहाँ पे लिखेंगे 13 इंच यानी कि हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच, और यहाँ पे लिखेंगे हम ओ बी हिप का छठा हिस्सा प्लस में 1 इंच, और यहाँ से हमने 1 इंच लिया है, और ये सी से हमने 2 इंच लिया है, 2 इंच को ए से मिला दी। ये शेप देने के लिए है इसके, ठीक है। ये हमारी पॉकेट हो गई। अब हम इसकी थोड़ी भी ऐसे लिख देंगे जैसे कि ए ओ पूरी लंबाई है हिप का तीसरा हिस्सा प्लस में 1 इंच, ओ बी लिया हिप का छठा हिस्सा प्लस में 1 इंच, सी एम 2 इंच, आई एम को मिलाया, आई एम को मिलाया। ये हमारी स्टोरी हो गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे पैंट कट पजामा आपको समझ आया होगा।